जमीन लेना और जमीन लेकर नौकरी देना यह बहुत ही कानून के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। पैसे या जमीन ले ली गई है उतने लोगों को तो उन्होंने नौकरी भी नहीं दी है। देखिए आप उस संस्कार के तो हम है नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव ने आरक्षण में भी आरक्षण की मांग कर दिया है। जब हमने बात किया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से तो देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे। उतना ही नहीं, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के साथ कई और लोगों पर समन जारी हुआ है उसको लेकर भी अपनी बातों को रख रहे हैं। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं नित्यानंद राय, पहले आप वो सुने। जायज है और जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। रेलवे में नौकरी के बदले गरीबों से, बेबस नौजवानों से, बेरोजगार नौजवानों से और उनके अभिभावकों से जमीन लेना और जमीन लेकर नौकरी देना यह बहुत ही कानून के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। और मैं तो यह कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने जमीन दी है या किसी न किसी रूप में उनकी भ्रष्टाचार के हिसाब से जो जो चीज़ हुआ है, जितना उनसे पैसे या जमीन ले ली गई है उतने लोगों को तो उन्होंने नौकरी भी नहीं दी है। और किसी एक जिम्मेवार पद पे रहकर इस तरह का घोटाला करना, भ्रष्टाचार करना कानून के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा अपराध है। और मैं तो कहना चाहूँगा पूरे तेजस्वी जी से, लालू जी से और उनके पूरे परिवार से और जिनका जिनका नाम इसमें उसे सारे लोगों से कि क्या सीबीआई जो स्वतंत्र इकाई है तो अपराध करने वालों को, घोटाला करने वालों को, नौकरी के बदले जमीन लेने वालों को क्या उनको मिठाई खिलाएगी कि कानून उस पर कार्रवाई करेगी? जो कार्रवाई हुई है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और तभी जाकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। देखिए आप उस संस्कार के तो हम है नहीं, लेकिन सरकार तो सरकार में तो वह भी रहे हैं। कांग्रेस के साथ तो आरजेडी भी सरकार में रही है, कांग्रेस भी सरकार में रही है, कम्युनिस्ट भी सरकार में रही है और आज जदयू के साथ उनकी सरकार है। तो इस तरह की अभद्र भाषा बौखलाहट में बोली जाती है और जनता इसको देख रही है। अब जो जिस प्रकार के भ्रष्टाचार में यह लिप्त है और उस परिवार के और इस सरकार के किसी मंत्री के द्वारा जो बिहार की सरकार है, इस तरह की बात करना बहुत ही घोर और आपत्तिजनक है। सीबीआई क्या करेगी? कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी या उनको भ्रष्टाचारियों को मिठाई खिलाएगी? बिहार की जनता देख रही है, अच्छा से हिसाब करेगी। आरक्षण में भी आरक्षण की बात हो रही है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 33% नहीं से 50% कर देना चाहिए। देखिए महिला का सम्मान भारत की सांस्कृतिक विरासत में शुरू से रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और महिलाओं का आरक्षण 33% का आरक्षण अद्भुत, अनोखा और नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाला और महिलाओं को सशक्त बनाने वाला यह विधेयक है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, बहुत अच्छा कदम। तो अभी आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना। उतना ही नहीं, मंत्री तेज प्रताप यादव के जिस तरीके से ईडी और सीबीआई को दमाद बताए थे उस पर भी क्या कुछ कह रहे थे नित्यानंद राय आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।